नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट इसलिए कि आम चुनाव होने वाले, ऐसे में सरकार जिसकी चुनाव के बाद बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। ऐसे में बजट पेश हो रहा है, उसको किसने बनाया और कैसे बनता है, आइए जानते हैं। मोदी सरकार का आम बजट पेश हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बजट को कौन बनाता है और वो कौन लोग हैं जो भारत की तकदीर लिखते हैं? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया उसे बनाता कौन है और कैसे बनाया जाता है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अरुण जेटली के बाद साल 2019 में वित्त मंत्री बनी और तभी से वो मोदी सरकार का बजट पेश कर रही। सीतारमण भारत के इतिहास में लगातार छठी बार बजट पेश कर रही। यहाँ पर एक और फैक्ट बता दें कि निर्मला से पहले मोरारजी देसाई ने 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था, लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री अब मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा को पीछे छोड़ चुके। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे। अब बताते हैं निर्मला सीतारमण के नवरत्न कौन है। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है उनका नाम है टीवी सोमनाथ, आईएएस टीवी सोमनाथ। वित्त मंत्रालय में सबसे सीनियर सेक्रेटरी, 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक पीएमओ में काम किया, पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। साल 2020 में टीवी वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने थे, तभी से वो बजट निर्माण की प्रक्रिया से भी नजदीक से जुड़े हुए और बजट में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है अजय सेठ, आईएएस अजय सेठ। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव, अति महत्वपूर्ण बजट डिवीजन को लीड करते हैं, भारत में G20 की बैठक में अहम भूमिका निभाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ये दूसरे नवरत्न हैं और कर्नाटक कैडर से आते हैं और वित्त मंत्री के खास माने जाते हैं। देश को किस तरफ ले जाना है और बजट में किसको क्या देना है और आर्थिक स्थिति कैसी चलेगी, इसमें इनकी भूमिका रहती है। अब जिस शख्स की बात करेंगे उनका नाम है तुहिनकांत पांडे। दीपम में तुहिनकांत पांडे सचिव और एयर इंडिया को बेचने में इनकी अहम भूमिका रही। इसके साथ ही साथ LIC का जो IPO आया उसमें तुहिन की भूमिका सबसे ज्यादा रही। पांडे ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं और इस समय वित्त मंत्रालय के अधीन संस्था में काम करते हैं। अब जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। राजस्थान कैडर के अधिकारी संजय आर्थिक सचिव, इससे पहले बैंकिंग डिवीजन में सेक्रेटरी रह चुके हैं संजय मल्होत्रा। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा टैक्स को बढ़ाने और घटाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके साथ ही साथ देश के बजट में भाषण का एक हिस्से की जिम्मेदारी यही संभालते हैं। साथ ही विवेक जोशी, नितिन गुप्ता, संजय कुमार अग्रवाल, नागेश्वरन और आशीष वछानी बजट बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और ये सभी मिलकर बनाते हैं बजट, और इन्हीं पर देश टिका है और इन्हीं से आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो आप जान गए होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोहिनूर कौन हैं और क्या करते हैं।